पहले मिस्र में एक फराओ राजा हुआ करते थे, और राजा के गलतियों के कारण मिस्र की हजारों जनता मारी गई थी। और यह जो मूसा की कहानी पढ़ते हैं वही चीज़ आज हम बिहार में देख रहे हैं। बिहार में भी एक फराओ जैसे राजा हो गए हैं, माननीय नीतीश कुमार जी, जिनके राज में अचानक लोग मर जाते हैं, जो उस परिवार के न किसी महिला को होता है न उस परिवार के किसी छोटे बच्चे को होता है। ये सारे जो कमाने वाले मर्द हैं इन सबों को एक अलग से डायरिया हो जाता है। ये मैं एक डॉक्टर के रूप में बोलता हूं कि यह दुनिया में एक नई बीमारी का आविष्कार नीतीश कुमार जी ने किया है। बिहार के मोतिहारी में जहरीली शराब से हुई कई मौतों ने एक बार फिर से सियासी बवाल शुरू कर दिया है। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और सांसद संजय जायसवाल ने नीतीश कुमार की शराबबंदी पर जमकर हमला बोला और नीतीश कुमार पर भी जमकर निशाना साधा है। सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि एक नई बीमारी है, पुलिस माफिया गठजोराइटिस, जिसके तहत जो शराब है वो बिहार में बिक रही है और लोग मर रहे हैं। क्या कह रहे हैं भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल, पहले हम आपको सुनाते हैं। पहले मिस्र में एक फराओ राजा हुआ करते थे, और राजा के गलतियों के कारण मिस्र की हजारों जनता मारी गई थी। और यह जो मूसा की कहानी पढ़ते हैं वही चीज़ आज हम बिहार में देख रहे हैं। बिहार में भी एक फराओ जैसे राजा हो गए हैं, माननीय नीतीश कुमार जी, जिनके राज में अचानक लोग मर जाते हैं जिसका किसी को कारण पता नहीं चलता है। मेरे लोकसभा क्षेत्र में परसों शाम से सुदीश राम, इंद्रासन महतो, चुलाही पासवान, गोविंद ठाकुर, गणेश राम, ये सब गिद्धा का वहाँ एक ही गांव के लोग हैं और इन सब की मृत्यु हो जाती है। आज उसी इलाके में बुनियाद पासवान की मृत्यु होती है और यह सब कहा जाता है कि न जाने कौन सी देवीय आपदा हुई जिसके कारण यह सारी मृत्यु हुई है। बगल में हर सिद्धि के और तुरकौलिया का जो भाग है, मेरे पूर्वी चंपारण में 24 से ज़्यादा लोगों की हत्या जहरीली शराब से हुई है, जिसमें मेरे लोकसभा के भी ये 7 नाम शामिल हैं। लेकिन एक यह उनको रात भर धमकी परसों रात से दिया जाता है कि तुम लोग सब लाश जलाओ, नहीं तो तुम लोगों के पूरे परिवार को जेल में बंद कर दिया जाएगा। स्थिति कितनी भयावह है कि बुनियाद पासवान की आज सुबह सुबह मौत होती है, अस्पताल में मौत होती है, उसका भी पोस्टमार्टम नहीं कराया जाता है, क्योंकि उसके भी पोस्टमार्टम से यह राज खुल जाता है कि जहरीली शराब की मौतें केवल तुरकौलिया और सिद्धि में नहीं हुई हैं बल्कि सुगौली के छपरावास में भी हुई है। यह पूरा का पूरा जहरीली शराब के तंत्र को प्रशासन का सहयोग हासिल है, वरना अगर कोई जहरीली शराब से मृत्यु हो रही है, कोई जहरीली शराब बेचता है, तो उसको बचाने के लिए एक प्रशासन क्यों परेशान है। अगर यह हत्याएं हैं जहरीली शराब की तो उनको इंसाफ मिलना चाहिए था, उन जहरीली शराब के जो बेचने वाले थे उन पर कार्रवाई होना चाहिए था। लेकिन यह कहना कि ये सब अचानक एक देवीय आपदा हुई और परसों रात से सब ये सब के सब मारे गए, एक ऐसा डायरिया चलता है जो उस परिवार के न किसी महिला को होता है न उस परिवार के किसी छोटे बच्चे को होता है। ये सारे जो कमाने वाले मर्द हैं इन सबों को एक अलग से डायरिया हो जाता है। ये मैं एक डॉक्टर के रूप में बोलता हूं कि यह दुनिया में एक नई बीमारी का आविष्कार नीतीश कुमार जी ने किया है कि पुलिस माफिया गठजोड़ाइटिस, और इसी के तहत यह सारी मृत्यु हो रही है, यह सब हत्याएँ हैं। आप कहते हैं कि जो पीने वाला मरेगा और जो पिलाएगा उसको, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं होगी। यह मैं खुद भी इस क्षेत्र में जा रहा हूं, यह सारे हत्याएं हैं और हत्यारों को बचाने का काम प्रशासन कर रहा है। अगर यह जहरीली शराब से मौतें हुई तो क्यों छुपाया जा रहा। आज सुबह इनके मालिक एक विधायक गए थे, लेकिन पुलिस प्रशासन का इतना दबाव, इतना टेरर था कि किसी ने भी पोस्टमार्टम नहीं कराया। आप कहीं पर भी किसी की हत्या सुनते हैं तो लाश वहाँ से अग्निकुण जहाँ पे आग लग रहा हो वहाँ से भी उठा के लाते हैं। किस कारणवश आज भी सुबह अगर पोस्टमार्टम नहीं होता है, वहीं पर बिजली महतो और नारायण महतो की आँख की रोशनी चली जाती है। ये एक बच्चा भी जानता है कि मिथाइल अल्कोहल पॉइजनिंग अगर हल्का हो तो आँख जाता है, उससे ज़्यादा हो तो मृत्यु हो जाती है। ये सब एक गाँव की घटना है
नीतीश कुमार जी फराओ की तरह बैठ करके अपने लोगों की मृत्यु देख कर रहे हैं, और ये सारी मौतों पर इसलिए नहीं किया जा रहा है क्योंकि ये सब अनुसूचित जाति और अति पिछड़े के लोग हैं और इनकी गिनती यह सरकार कराना उचित नहीं समझती है, इनको न्याय दिलाना उचित नहीं समझती है। इसका मैं पुनः मानवाधिकार आयोग में जाऊंगा और फिर यही नीतीश कुमार जी का रुदाली होगा कि क्यों मानवाधिकार आ रहा है। पिछले बार भी 28 मौतों का उनका आंकड़ा था, मानवाधिकार आयोग ने माना इसको कि 72 मौतें हुई हैं। ये आपके अखबार में ये पूरी लिस्ट निकलती है और इस पूरी लिस्ट को गायब कर दिया जाता है कह करके कि 8 मौतें हुई हैं। यह बताता है कि यह प्रशासन जन विरोधी है, यह प्रशासन बिहारियों के प्रति इतना वैमनस्य रखता है कि यहाँ के आदमियों की जान की कोई कीमत नहीं है। हम लोग खुद इस जगह पर जा रहे हैं और मानवाधिकार आयोग को और अनुसूचित जाति आयोग को बुला करके इन मृतकों को निश्चित तौर पर हम इंसाफ दिलाएंगे। ये कहा है कि नीतीश कुमार जो है वो आराम से प्रधानमंत्री बनने के सपने देख रहे हैं और बिहार की जनता मर रही है जहरीली शराब पीकर, और नीतीश कुमार को इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। वहीं आपको बता दें कि बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा आज खुद मोतिहारी गए हैं और मोतिहारी में जहरीली शराब के पीड़ितों से मुलाकात करेंगे, और भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल भी मानवाधिकार आयोग और अनुसूचित जाति जनजाति आयोग में जाकर शिकायत दर्ज कराएंगे इतनी मौतों के खिलाफ। विशाल भारद्वाज, SG News, पटना।